नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं तनुप्रिया। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। मैट्रिक के रिजल्ट से पहले मूल्यांकन की कॉपी गायब होने से बिहार बोर्ड एक बार फिर सवालों के घेरे में। कश्मीर में भाजपा और पीडीपी की गठबंधन टूटने के बाद बिहार में भी राजनीति हुई तेज। बेरोजगार और बढ़ती महंगाई के खिलाफ युवा राजद का एक दिवसीय धरना पटना गर्दनी बाग में किया गया। अब खबरें विस्तार से। मैट्रिक का रिजल्ट निकलने से पहले ही छात्रों के मूल्यांकन के कॉपी गायब होने से बिहार बोर्ड पर फिर से कई सवाल उठने लगे हैं। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा कहते हैं कि यह बिहार बोर्ड को बदनाम करने की साजिश हो रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। पूरे मामले में उच्च स्तरीय जाँच हो रही है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मैट्रिक के मूल्यांकन के कॉपी गायब होने के कारण मैट्रिक का रिजल्ट अब 26 जून को निकलेगा। लेकिन जिस प्रकार से जांच किए हुए कॉपी गायब हुए हैं, उसके बाद बिहार बोर्ड में फिर से कटघरे में है। कृष्ण नंदन वर्मा ने कहा कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है, जांच में साफ हो जाएगा कि कौन से लोग शामिल है। जाँच के बाद ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उस चोरी से रिजल्ट कोई प्रभाव प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि सारी कॉपियां एग्जामिन कॉपियां थी और उसके सारे मार्क्स बोर्ड पर लगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर भी ये चोरी हुई है और जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और सबसे पहले हमारी कोशिश होगी कि वो चोरी गई कॉपियों को रिकवर किया जाए। इसलिए जिला प्रशासन को और तमाम लोगों को सतर्क कर दिया गया है, सबको लगा दिया गया है। बोर्ड इस मामले में बहुत गंभीर है और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, जो जिन पर भी आरोप बनता है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पिछले 31 मई को सीतामढ़ी में जिला कल्याण पदाधिकारी के हत्या मामले का एसएसपी ने खुलासा करते हुए पटना एसएसपी मनु महाराज ने पटना के दिघा थाना क्षेत्र के बालूपड़ इलाके के पास एक मकान से दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि पिछले 23 मई को सीतामढ़ी में जिला कल्याण पदाधिकारी शुभ नारायण की हत्या हुई थी। हत्या के एवज में जेल से मिली थी अपराधियों को 5 लाख की सुपारी। इस घटना में शामिल अन्य अपराधियों के घर पकड़ के लिए सीतामढ़ी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। दिनांक 31 जुलाई 2018 को सीतामढ़ी जिला अंतर्गत जिला कल्याण पदाधिकारी श्री शुभ नारायण महतो जी की हत्या कर दी गई थी। सीतामढ़ी सीनियर एसपी से मिली इनपुट एवं उनकी टीम के साथ संयुक्त छापेमारी करते हुए पटना पुलिस ने उस कांड में शामिल दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। दीघा कुर्जी पर से उनमें से एक मेन शूटर जो है उसकी गिरफ्तारी भी हुई है और उसके पास से ये पिस्टल और जिंदा राउंड गोली भी बरामद हुई है। उसके पास से कई मोबाइल बरामद हुए हैं जिसको ये यूज करता था। उन्होंने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और जैसा कि इनके द्वारा बताया गया है कि इनको सुपारी मिली थी। चिरंजीव सागर एक जेल में बंद अपराधी है, उसने इनको 5 लाख रुपए का ठेका दिया था और उसके बाद उनकी हत्या करने की प्लानिंग बनाई गई थी, क्योंकि वो शाम को टहलने के लिए निकलते थे। उसी क्रम में एक व्यक्ति इसमें जो पकड़ा गया है। देश में बढ़ती बेरोजगारी से परेशान युवा पीढ़ी को लेकर अररिया के समरणालय परिषद में एक दिवसीय धरना दिया गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस धरना को सफल बनाने में दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। जहाँ पर 7 निश्चय योजना का सरकार कहती है कि हम विकास के नाम पर 7 निश्चय योजना लागू कर रहे हैं,
नल और जल की बात ये करती है। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे निकम्मी सरकार से, डबल इंजन के इस पहरेदार से, कि आप सोए हुए हो या जगे हुए हो, आप ये बताओ। अगर सोए हुए तो कोई बात खैर नहीं, तो हम लोग जगाने के लिए जुआ राजद मैदान में उतर चुका है। अगर जगे हुए हो तो पुनः मैं बिना तुमसे कहना चाहता हूँ कि बढ़िया से उठ बैठ के जग करके देखो, पूरे बिहार को देखो, पूरे जिला को देखो, पूरे प्रखंड को देखो, पूरे गांव स्तर तक देखो। भारत के जाने माने क्रिकेटर यूसुफ पठान ने क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान का 10वां सेंटर बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर रेल मंडल मुख्यालय स्थित रेलवे जगजीवन स्टेडियम में लॉन्च किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसमें बच्चों को क्रिकेट की तकनीक सिखाने के अलावा गुणवत्ता पूर्वक कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान में बच्चों को क्रिकेट कौशल सिखाने के अलावा खाने पीने और शारीरिक और मानसिक फिटनेस जैसी चीजों पर भी बात बताई जाएगी। हम हमारे इनॉग्रल सेरेमनी को शुरू करेंगे, एक शुभ शुरुआत करेंगे। बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ युवा राजद का एक दिवसीय धरना पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर चल रहा है। राजद के धरने में राजद के वरीय नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, युवा राजद के कई नेता धरना पर बैठे हैं। बेरोजगारी, महंगाई और बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं के साथ सूबे के बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ राजद का धरना चल रहा है। कहीं पढ़ाई हो रही है? ये राज्यपाल देखे, किसको कहें, किसको पंच हम माने? और सारा नीति निर्धारक जो यहाँ है, ये शर्मी से काम कर रहे हैं, कहते बहुत हम तरक्की कर रहे हैं। जिस प्रदेश में पढ़ाई नहीं होगी, कैसी तरक्की उसको कोई कह सकता? हमारे गार्जियन, अभिभावक, किसान अपने बच्चों को पेट काट कर भी पढ़ाना चाहते हैं, भेज रहे हैं कोचिंग में, इसीलिए कोचिंग का भरमार, ट्यूशन का भरमार, भेज रहे हैं कोटा में, भेज रहे हैं मुखर्जी नगर में, सभी जगहों पर लोग पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाई हो नहीं रही, ना हाई स्कूल में, ना प्राइमरी स्कूल में, ना कॉलेज में, कहीं पढ़ाई नहीं हो रही। आई तब कापी ना गायब हो जाएगी, टॉपर घोटाला यहाँ नहीं होगा, क्या नहीं होगा? लाल केश्वर को बहाली किया, जेल में बंद है, बहाल करने वाला क्यों बाहर है? क्यों ये जेल में अभी तक नहीं बंद हुआ? ये शिक्षा की दुर्दशा है, शिक्षा चौपट है। तो बुद्धिजीवी जो यहाँ के लोग देख रहे हैं कि पढ़ाई हो नहीं रही है, आप सुबुगार है, जो कुछ बोल नहीं पा रहे, इसीलिए शिक्षा के ये जो आंदोलन शुरू हुआ है नौजवानों का, बेरोजगारी का, 31,000 सिपाही का पद खाली, शिक्षा से पुलिस का पद चाहिए ज्यादा, लेकिन जो स्वीकृत पद है उसमें 31,000 पद खाली, अनेक विभागों, एग्रीकल्चर में 1100 के बदले 220 पोस्ट पर काम कर रहे, क्या पढ़ाई होगी, क्या किसानी की तरक्की होगी, क्या नौजवानों को रोजगार मिलेगा? हाँ, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, अच्छा ठीक हो रही, सही गई सरकार को, कर्मचारी के हटाने से होता है, हम तो नीतीश के हटाने की मांग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के हटाने की मांग कर रहे हैं, उनका मांग कर्मचारी अधिकारी का क्या दोष, दोष है मूल सरकार का। एक आनंद किशोर पर क्या बोले हैं, आनंद किशोर पर यूनिवर्सिटी के कमिश्नर बोर्ड का इतना 24 है, जे घोड़ी चढ़नी वही घोड़ी लदनी, एक वर्ष सब लाद दीजिएगा तो क्या काम बताए, 24 आवर्स का ड्यूटी है कि नहीं बोर्ड का चेयरमैन, वो भी पोस्ट पर, पटना कमिश्नर जी के पोस्ट पर और 2-4 पोस्ट पर है, जेल आई भाई, वही एक एक अफसर पर कितना ला दिया, क्या काम? कश्मीर राज हथियाने के लिए अपनी प्रतिकूल दृष्टि, प्रतिकूल नीति वाली पार्टियों से समझौता करके गद्दी हथिया लिए, अब उठा गया,
अब पूछा गया था, अब उनको उनको क्या कार्ड खेलेंगे से सब लोग जान गए। कश्मीर की हालत दुर्दशा इन्होंने कर दी, फेल करके वहाँ जो सरकार बनाया उससे कश्मीर की हालत बिगड़ती चली गई है, इसीलिए उसका सुधार बहुत जरूरी है कि कश्मीर में गोली बंदूक के बल पर शासन चला ले, कहीं भी गोली बंदूक के बल पर शासन चलता है। इसलिए ये सभी नरेंद्र मोदी की चाल है और सब खतरा लाने के लिए तैयार हैं कि ये फीलिंग करके कम्युनल कार्ड फिर खेलेंगे ऐसा। अररिया में मानवता को शर्मसार करने की बड़ी खबर, जहां नगर थाना क्षेत्र के त्रिशूलिया घाट में एक नवजात का शव कूड़े के ढेर में मिला है। यहां स्थानीय लोगों के मुताबिक अररिया नगर परिषद की गाड़ी ने थोड़ी देर पहले ही कचरा डंप किया था, इसी वाहन से एक बोरी मिली जिसमें नवजात का शव बरामद हुआ है। जी अभी हम लोग आए तो वैसे ही नगर पालिका की गाड़ी जा रही थी, कुछ बच्चे कचड़े चुन रहे थे जिन्होंने कहा कि कचड़े में बच्चे के शव हैं, और जब देखा गया तो बच्चे का शव पाया गया। क्या चीज में था वो? नगर पालिका का कचड़े वाली गाड़ी में। अच्छा, क्या चीज में बच्चा? क्या चीज में बच्चे? बोरे और बोरे के अंदर कपड़ा में लपेटा हुआ है। बच्चा जिंदा? नहीं, बच्चे अभी जिंदा है नहीं है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं साक्षरता कर्मी, योजना बंद किए जाने और साथ साथ 22 महीने से मानदेय नहीं भुगतान होने को लेकर स्थानीय सुभाष स्टेडियम में एक बैठक की गई। केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे साक्षर भारत को मार्च 31 से बंद कर दिया गया है। इस बात को लेकर प्रेरक और समन्वयकों में असुरक्षा का माहौल हो गया है। इसकी मांग है कि सरकार इन योजना को बंद न करे और हमारी बकाया राशि को भुगतान करे। तो देखिए हमारी हालत और हम किस स्थिति में पहुंच गए हैं। 22 महीने से हमारा मानदेय भुगतान नहीं किया गया है और हमारी सेवा भी नियमित नहीं की जा रही है और हम सड़क पर हैं, इसलिए हमारा दो ही डिमांड है, जो हमारी सेवा नियमित करो और हमें 22 महीने का जो लंबित भुगतान हमारा है वो हमारा दो। सिवान में बाइक पिकअप की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें घटना स्थल पर ही दो लोगों की मौत हो गई और एक बुरी तरह घायल हो चुका है। वहीं चालक पिकअप छोड़ फरार हो गया है। बढ़हरिया थाना क्षेत्र के छक्का हाता गांव के पास की घटना है। देर से पहुंची पुलिस पर आक्रोशित लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया है। सूचना के अनुसार एक पुलिसकर्मी घायल भी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। पटना के कदम कुहां जहाजी कोठी स्थित राज डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा बताया गया कि बिहार में पहली एंटी एजिंग सेंटर राज डेंटल क्लिनिक है। वहीं डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि यहां दांत से संबंधित कई बीमारियों को लेजर तकनीक के द्वारा बिना किसी परेशानी के मरीजों का इलाज होता है। साथ ही लेजर ट्रीटमेंट के जरिए दांत रोगों का एवं दांतों को सुंदर करना, गुटखा से मुंह का नहीं खुलना इत्यादि जैसी परेशानियों से राज डेंटल क्लिनिक में बखूबी इलाज संभव है। बेगूसराय में एक बच्चे पर 3 माह द्वारा दावा को लेकर नगर थाना पर 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। इस दौरान बच्चे का लालन पालन कर रही मां के समर्थन में सैकड़ों लोग थाना पर हंगामा भी किया। बच्चे को नहीं देने के कारण ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। फिलहाल नगर थाना पर बच्चे को लेकर ड्रामा जारी है। अपनी स्वेच्छा से गोद दे दी। अब ये तीसरा महिला 1 साल के बाद आकर बोल रही है कि मेरा बच्चा कभी बीपी स्कूल से खो गया, कभी कहती है ट्रैफिक चौक पर से खो गया, कभी कहती है जेके स्कूल से खो गया। उसके बाद 2 बार बच्चा चुराने की कोशिश किया, जब इस बार पकड़ा गई है तब कहती है मेरा बच्चा है। अब पुलिस प्रशासन उसका साथ दे रहा है।
अस्पताल से सारा प्रूफ मिल गया, सारा रजिस्टर चेक करवाए कि हाँ इस डेट में बच्चा हुआ कि नहीं हुआ, सारा प्रूफ मिल गया, वहाँ के डॉक्टर लिख के दे दिया कि हाँ ये बच्चा यहाँ हुआ है, ये बच्चा रूबी देवी का, फिर भी ये लोग रोके हुए हैं बच्चा को हम जन्म सरकारी स्कूल में, ऊपर से दूसरा कोई बता हमरा अच्छा कहाँ के लोग छिके नहीं छिके हमरो पता नहीं क्या था, मतलब कब बच्चे कितने साल का है, कब आपने दे दिया रूबी? बेगूसराय में कल शाम तेज आंधी के साथ बारिश में गुप्त लखमीनिया बांध पर बसे 100 से ज्यादा परिवारों के आशियाने उजड़ गए। दरअसल तेगड़ा प्रखंड के गुप्त लखमीनिया बांध पर पिछले 20 से 25 वर्षों से कटाव पीड़ित 250 परिवार झोपड़ी बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं। देर शाम तेज आंधी के कारण 100 से ज्यादा झोपड़ी हवा में उड़ गए, दर्जनों झोपड़ी पेड़ गिरने से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस दौरान दर्जन भर लोग को चोटें आई हैं जिसका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि चुनाव के समय काफी संख्या में लोग आते हैं लेकिन चुनाव के बाद लोगों का आना यहां बंद हो जाता है।300 घर सरकार यहाँ से वहाँ भर छे, मैं पासमान आ मैं चमार, क्षति एकदम हो गए रहे। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? 22 साल रहिए। 25 साल से छे कि आज तक सब बाकी जाबे नेता उता सब आबे क्रिया संगत ने खा ले छे, जमीन दबो ई दबो वोट दे के हमरा तो ने जितबो करो क्या दे दे छे, तनी घुरियो के नहीं देखियो नहीं आबे छे, नहीं राशन के छे, नहीं लाल कार्ड, नहीं कोई चीज के नहीं छे, हमे बाल बच्चा चिपाई के घर गिर गेले मरे रहिए, सब ठर पाँत घरे पर गिरल छे, बाल बच्चा छेड़ फाड़ के निकलले न खनियो छेड़ छे हेबा कि जो उधर दने छे। महिला के आरोप के बाद पटना में पोस्टेड डीएसपी सिवली नोमानी ने राज्य महिला आयोग में हाजिरी लगाई। महिला आयोग की अध्यक्षा दिलमणि मिश्रा ने 27 जून को फिर से इस मामले के लिए समय दिया है। 27 जून को डीएसपी और पीड़िता महिला आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगी। गौरतलब है कि ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक महिला थाने में शिकायत लेकर पहुंची थी जिसके बाद उसने डीएसपी शिवली नोमानी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। महिला ने राज्य महिला आयोग में इसकी शिकायत की थी जिसके बाद डीएसपी ने हाजिरी लगाई। वहीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख दी है क्योंकि महिला और डीएसपी के बयान में काफी मतभेद है। अब पूरे मामले के जांच के बाद अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। कश्मीर में भाजपा और पीडीपी के बीच गठबंधन मंगलवार को टूट गया जिसके बाद बिहार में भी राजनीति तेज हो गई है। एक ओर जहां विपक्षी पार्टी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए अलर्ट रहने को कहा है, वहीं भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी आगाह करते हुए कहा कि कश्मीर जैसी स्थिति कहीं भी हो सकती है। बिहार में अभी आंधी आने से पहले की स्थिति दिख रही है। मैं बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ और ना ही मैं हार्डकोर पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। बिहार की बात इसलिए फिलहाल नहीं करूँगा कि बिहार में इस वक्त राजनीतिक दृष्टिकोण से चाहे जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ फिलहाल इस वक्त अस्थिरता है एक आंधी और तूफान के आने से पहले। जो कश्मीर में आज हुआ, क्या आपको लगता है पहले हो जाना चाहिए था? अगर यही बात थी तो सरकार क्यों बनाई गई थी वहाँ पीडीपी के साथ? ये बहुत लोगों का मानना है, ये जरूर बहुत लोगों ने कहा, हमारे अपने लोग भी कहते रहे। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।